ऑल राइट, सो व्हाट्सअप, इट्स पीयूष बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो अभी बज रहे 8:05, अभी हम लोग जा रहे हैं एरोप्लेन का शो देखने के लिए जो कि भोपाल में, तो लेट हो रहा है, चलते फटाफट वहाँ जाके वीडियो बनाते। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे लगा हुआ था पूरा जाम, और जैसे ही हम सामने बढ़े वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। और इधर जब पहुँचे तो मंदिर के ऊपर भी लोग बैठे हुए थे जैसे आपने देखा, और सामने भी बहुत सारे लोग आ रहे थे और यहाँ पे इतनी भीड़ थी। फिर हमने जगह ढूंढी, वहाँ पे जाके खड़े हो रहे और इतनी भीड़ थी लोग मालूम नहीं कहाँ चढ़े हुए थे, दिखा तो सामने सब इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा एरोप्लेन। फिर और VIP रोड तो पूरी भरी हुई थी चारों तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे बच्चे थे जो मूर्ति के ऊपर चढ़े हुए, और फिर ऊपर से पैराशूट है। पहले हमें लगा ये चीज पैराशूट है, तिरंगे की डिज़ाइन में देख रहा था, फिर हमने और उसको देखा, फिर देखो पूरा जूम कर दिया मैंने, अभी दिखा तो किस टाइप का दिख रहा था वो। देखो पूरा फुल जूम करा हुआ था मैंने, इस टाइप का थी वो, जो कि फिर अलग हो रहे थे, अलग अलग हो रहे ग्रीन वाइट और ऑरेंज, जो कि इंडियन फ्लैग बना रहे थे। फिर देखो लोग ऊपर चढ़े हुए थे, पुलिस वालों ने फिर उन्हें नीचे उतार दिया, और लोग कोने पे चढ़े थे, इवन ऊपर जो बोर्ड देखा आपने उस पर भी चढ़े हुए थे। और भीड़ में मैं ऐसे खड़ा था, फिर मैंने पूरा वीडियो बनाया यहाँ पे, और फाइनली फिर फर्स्ट एरोप्लेन आया, जो नहीं हेलीकॉप्टर है, जो कि दो पंखे वाले थे, देखना भी दिखाता हूँ। ये बोर्ड के ऊपर एक जन चढ़ा हुआ था जिसके ऊपर जैसे दिख नहीं रहा था, फिर सामने जाके ये दो पंखे वाले दिखे, और इसके आने के पहले नेशनल एंथम भी हुआ था। उस तरफ पर फिर पूरा इधर राउंड लगा रहे थे जैसे कि आप देख सकते हो, अब क्लियर दिख रहा हो, अभी और क्लियर दिखाता हूँ। फिर ये और पास में आ गया था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था दो पंखे वाला। फिर जो वो हमारे तरफ आया तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, ये देखो कुछ इस टाइप का था। और फिर भीड़ और हो चुकी थी, देखो जैसे कि आपको देखा पूरी रोड जाम, लोग मंदिर छत पेड़ों के ऊपर इवन चढ़े हुए थे, और जैसे सामने बोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर भी चढ़े रहे थे बाद में, और यहाँ पे मूर्ति के ऊपर पूरे बच्चे बैठे हुए। और ये चॉपर, फिर ये हमारे जस्ट ऊपर से रहे थे, ये देखो। और इसी बीच में हम जब निकल रहे थे उस समय वहाँ पे लोग टीन के ऊपर चढ़े चढ़े देख रहे थे, वो टीन भी नीचे गिर रही थी, दिखाते हुए अगली वीडियो में देखना। ये देखो फिर वीडियो में, इस वीडियो में जो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, चूँकि ये देखो पहले इतना ज़बरदस्त, नीचे भी जो लोग खड़े थे उनके ऊपर भी टीन गिर रहे, वो भी दब रहे थे। और इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतना ड्राउट था कि वीडियो बनाना मुश्किल था, हो रहा था, मैंने ट्राई भी कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सामने से तीन आ रहे थे एरोप्लेन, जो मतलब फाइटर जेट जिनने तिरंगा बना दिया था, और
अच्छी बात ये थी जहाँ पे हम खड़े थे जस्ट वहाँ उसके ऊपर से निकल रहे थे, ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। और मैं पब्लिक वगैरह की वॉइस नहीं काटी है क्योंकि तभी आपको समझ में आया वहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट हो रही थी। जस्ट उसके पीछे आ रहे थे चॉपर चार जिनके दो चॉपर के नीचे वो लगा हुआ था इंडिया का फ्लैग, ये देखो। ये निकले तो बहुत तेज थे पर मैंने इस वीडियो को स्लो करा हुआ आपके लिए देखने के लिए। और न्यूज़ वगैरह में भी आया था ये, इधर हेलीकॉप्टर आ रहे दूर से तीन तीन। यहाँ पे मैं खड़ा था जैसे कि आपने देखा, और ये देखो थोड़ी देर पर भीड़ जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रही थी और सामने से फिर और आ गए। एक बहुत बड़ा वो जेट था, दो छोटे जो कि मैंने बहुत स्लो करा है आपके लिए देखो। और ये वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है तो इसलिए लाइक कर देना। और ये देखो ये एक बड़ा चॉपर, मैं चॉपर बोल रहा हूँ, एरोप्लेन दो छोटे जेट को खींच के ला रहा था। मुझे इनके नाम नहीं पा मालूम क्या क्या नाम थे इनके, देखो इसमें ये बता रहा था कि ये वाले स्टंट में ये बताया था कि एक जेट दूसरे जेट को हवा में एरो मतलब पेट्रोल दे सकता है, स्टंट का मतलब ये था। और फिर सामने से पांच एक साथ आ रहे थे, ये हमारे छत के ऊपर से भी निकलते रहते, ये वही वाले एरोप्लेन थे जो कि बहुत ही स्पीड में निकले थे और इनकी आवाज़ बहुत ही तेज थी। और ये आप सोच रहे हैं वही वाले नहीं पर ये दूसरे वाले थे, ये थोड़े चपटे थे डिज़ाइन में, ये भी बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। और फिर ये इनमें से ये टेर ये आया और स्टंट दिखाने लग गए। और भोपाल में ने मतलब पूरे क्या बोल सकते मध्य प्रदेश में ये पूरा टर्न हो रहा है गोल गोल, ये देखो। और वीडियो इसलिए क्लियर नहीं आई क्योंकि मैंने इतना जूम करा हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही दूर था, मैंने पूरा 10x पे बनाया। ये लेक ऑफ व्यू के ऊपर हो रहा था पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि जल्द ही आपको दिखेंगे एक सदस्य समय से अलग होते हुए। अलग हो चुके हैं लेकिन घबराए नहीं क्योंकि वो जल्द ही वापस आएंगे एक नए अंदाज। और लोगों की गाड़ी जो ऊपर से जा रहे थे ये देखो ये सबसे जबरदस्त था जो कि एकदम ऊपर जाते पूरा फ्लिप हो चुके पूरा वो छोड़ो। और फिर ये एक साथ आ रहे थे बहुत सारे जैसे जैसे कि आपने फोटो में देखा और वीडियो में भी देखो अभी उनमें से ये आया और फिर पूरा गोल बना दिया था राउंड बनाया था पूरा। और हार्ड भी बनाया था वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने फ़ोन जेब में रख दिया था। और ये देखो ये कुछ इतने सारे एरोप्लेन थे
जो कि ऐसे जा रहे थे दूर। देखो कितने ज़बरदस्त अपने फ़ोटो में, देखो वही वाले थे। कमेंट कर दो कितने थे फ़ोटो में देख के, जिसका सही जवाब रहेगा उसको एक लाइक और हार्ट मिलेगा। और देखो एरोप्लेन था जो कि ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा था। दो दो थे ये। ये भी सही है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इन विमानों का रंग और इनमें बनी रेखाएं सूर्य की किरणों के समान नजर आती है और दर्शाती है सूर्य किरण टीम की पहचान। So now you've seen the aircraft. Look ready as they show you their nose. Look towards the right and here they come. और ये तीन तीन देखो, एक साथ निकले थे। इनकी आवाज इतनी तेज थी। ये स्टंट देखो बहुत ही जबरदस्त लग रहा था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ देखो, देखना भी मंदिर पर, मैं तो ऐसा दब रहा था पूरा जब हम निकल रहे थे। पूरा लोग धक्का दे रहे थे, लोग समझ भी नहीं रहे थे अब क्या कर सकते, सब इतना धक्का वगैरह हो रहा था। मंदिर के ऊपर भी लोग देखो कैसे चढ़े हुए थे इतने सारे। ये देखो जब हम निकल रहे थे उस समय भीड़ कितनी हुई थी, और यहाँ पे बीच बीच में लोगों ने जो गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, लोग उसके ऊपर से जा रहे थे पैर रख रख के। और यहाँ पे 20 कम से कम बाहर निकलने में आधे से ज़्यादा घंटा लग रहा था। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मालूम नहीं शायद से आते जाते बंद था क्या था, आधा घंटा हमें इसी जगह पे खड़ा रहना पड़ा। ये देखो पूरा दूर तक जाम है और पीछे सार्थक आ रहा है। हम लोग थोड़ा सामने पहुँचे तो हम लोग भूल रहे थे, हमने गाड़ी का पार कर रहे थे क्योंकि अशीत और मैं आ रहे थे पहले, हमारे घर वाले बहुत पीछे रह रहे थे। फिर गाड़ी मिली, हम वहाँ पे बैठे और बैठ के देख रहे थे। और मेरे पास कुछ देखो कुछ इस टाइप का हुआ था वाटर के अंदर, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा आया था। और ये देखो पैराशूट में कुछ इस तरीके से चिपके हुए थे वो तीनों। पानी जब इसमें पूरा पानी वो हो रहा है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे लोग नहीं देख पा रही है तो सबको ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्त वगैरह सबको। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये चॉपर की वीडियो बहुत अच्छी आई थी तो मैंने लास्ट में डाल दी। और चॉपर के अंदर कुछ ये हो रहा था, बाय बोल रहे थे, तो मैं भी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।